तो अब हम लिए चलते हैं आपको नीरज पांडे के पास। सबसे पहले तो छोटा रखिएगा, एक शॉर्ट नोट बताइए कि चेहरे पुराने होंगे या नए होंगे, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, अभी सिर्फ कयासबाजी है विवेक, नए भी हो सकते हैं, पुराने भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी भी मंथन लगातार जारी है और तस्वीर तब साफ होगी जब विधायक दल की बैठक होगी। विधायक क्या चुनते हैं, किसको चुनते हैं, क्योंकि एक या दो नाम रखे जाएंगे विधायकों के सामने और उस समय विधायकों की जो प्रतिक्रिया होगी, विधायकों का की जो राय होगी उसी पर उसके बाद ये फैसला लिया जाएगा। अभिषेक उपाध्याय, अगर पुराने चेहरों की जगह नए चेहरों को मौका अगर मिलता है तो क्या पैमाना हो सकता है? देखिए, पैमाना बहुत ही क्लियर है। एक पैमाना तो साल 2024 के मद्देनज़र कौन वहाँ सुटेबल होगा, ये पैमाना होगा। दूसरा पैमाना होगा कि पुराना बैगेज ना हो, और ये पुराना बैगेज ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो। पुराना बैगेज ना होने का मतलब ये कि फ्रेश चेहरा आने की सूरत में जिस तरह से यहाँ इक्वेशन होंगे वो हो सकता है 24 के लिए ज़्यादा मुफीद है। इसीलिए कहा जा रहा है कि फैसला थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है। लेकिन ये भी बात है कि हर किसी को संतुष्ट नहीं किया जा सकता है अपने फैसले से। ब्रजेश राजपूत, विधायक दल की बैठक अगर होती है तो आपको क्या लगता है कि ये बैठक शांत रहेगी या फिर अंदर ही अंदर बवाल होगा उसमें? देखिए, विधायक दल की बैठक, ये मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहां एक मुख्यमंत्री को तो चुनना है, मगर कोई नया नाम आता तो वो उस मुख्यमंत्री को हटाया भी जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे मनोहर लाल खट्टर को भेजा गया है जो खुद मुख्यमंत्री हैं, आरएसएस की के पुराने नेता रहे हैं। तो यहाँ सबसे प्रभावशाली पर्यवेक्षक मध्य प्रदेश में भेजा गया है, यानी कि मध्य प्रदेश में एक बड़ा फैसला होगा, एक बहुत बड़ा फैसला होने वाला है और इसीलिए ये तीन तीन पर्यवेक्षक बनाए गए। अंकित गुप्ता, आपसे अगला सवाल मेरा और आखिरी सवाल ये छोटा रखिएगा कि तीन तीन पर्यवेक्षक जो बनाए गए हैं इस पर आपका क्या विश्लेषण, आप क्या सोचते हैं? देखिए, साफ तौर पर जो ये जिम्मेदारी दी गई है जिसमें एक केंद्रीय मंत्री है, उसके अलावा संगठन से जुड़े हुए जो वो पार्टी से जुड़े हुए जो नेता हैं वो हैं। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि ये तीनों ही मिलकर के आपसी सामंजस्य के साथ में विधायकों के बीच जाएंगे और उनका जो फैसला होगा उसके बारे में आला कमान को अवगत करवाएंगे और आला कमान के फैसले के बारे में वहां अनाउंस करेंगे, यानी कि सीएम का चेहरा का अनाउंसमेंट करेंगे ये पर्यवेक्षक विधायक दल की बैठक में। जी, तो ये भी काफी अहम जानकारी दे रहे हैं, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। लेकिन इस बीच एक बड़ी अपडेट आ रही है मध्य प्रदेश, आपको लिए चलते हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है, सीएम के लिए नए नाम की चर्चा अभी भी जोरों पर चल रही है, नए नाम की चर्चा जोरों पर है सीएम के लिए। कल जो है वो केंद्रीय पर्यवेक्षकों के साथ अब उनकी मीटिंग होगी, जो नए पर्यवेक्षक नाम तय किए गए उनके साथ मीटिंग होगी, मीटिंग के बाद नाम को फाइनल किया जा सकता है, नया नाम भी सामने आ सकता है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान पर भी अभी केंद्र को पूरा भरोसा है। नीरज पांडे, क्या होने वाला है, क्या कयास लगाया जाए? शिवराज सिंह चौहान पर अभी भी भरोसा कायम है कि नया चेहरा होगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम तो चल रहा है लेकिन वो कह चुके हैं कि मैं सीएम रेस से बाहर हूं। देखिए, शिवराज सिंह चौहान बहुत बड़ा चेहरा है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत सीनियर लीडर हैं, लगातार लंबे समय से 19 साल से मुख्यमंत्री रहे हैं, बहुत लंबा अनुभव है। कहने का ये कह सकते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर उनको इग्नोर नहीं करेगी। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर उनको सेटल भी करती है तो बहुत अच्छी जगह उनको रिप्लेस करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में परंपरा रही है कि अपने जो सीनियर और कह सकते हैं कि जिनकी समझ बहुत अच्छी हो जिन राजनीतिज्ञों की, उनके जो पोटेंशियल को व्यर्थ नहीं जाने देती, उनका उपयोग करती है। तो अगर नया चेहरा देती भी है भारतीय जनता पार्टी तो उनका बहुत सम्मान रखा जाएगा और निश्चित रूप में उनकी उनकी सोच का भी और उनकी राय का भी यहाँ पर सम्मान रखा जाए। तो एक बात तो ये तय है कि चूँकि भारतीय जनता पार्टी अब नए फेज में जा रही है तो भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग ये है कि पुराने और नए दोनों चेहरों का कॉकटेल बना के आगने वाले 10 या 20 साल के लिए प्लान किया जाए, ताकि कुछ नई लीडरशिप को क्रिएट किया जाए और लंबे समय तक राजनीति की जा सके। क्योंकि निश्चित रूप में आने वाले समय में आपको कुछ लीडरशिप देनी पड़ेगी, कुछ नए चेहरे देने पड़ेंगे, नए चेहरे देने पड़ेंगे, क्योंकि ये राजनीति का खेल बहुत लंबा सोच रही है बीजेपी। 5 साल के लिए नहीं सोच रही है, वो आने वाले 20-25 सालों के लिए शायद सोच रही है, इसलिए वो कुछ बहुत बड़ा करने वाली है। अब सवाल ये उठता है कि अगर नए चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो नए चेहरे को चांस क्यों दिया जाए?
शिवराज सिंह चौहान, ये केंद्र में इनकी जरूरत है मध्य प्रदेश के लिए। ये तो पुराने चेहरे हो गए, अब हम आगे बताएंगे आपको कि नए चेहरे के चांस क्यों। ये छत्तीसगढ़ के लिए जो रमन सिंह है वो आदिवासी और पिछड़ों को मौका देना है, इसके लिए भी हो सकता है कि जो नए मुख्यमंत्री या नए चेहरे को मौका दे दिया जाए। राजस्थान में वसुंधरा राजे हैं, अब इनके बागी तेवर को क्या नापसंद कर रही है बीजेपी, इसलिए भी हो सकता है कि किसी नए नाम को मौका दे दिया जाए। अंकित गुप्ता, यही कारण रहने वाले हैं क्या कि पूरे सारे पुराने रिकॉर्ड्स बीजेपी ने अपने पास रखे हुए हैं और उसके आधार पर फैसला होगा, वो सारे पुराने रिकॉर्ड्स अब की बार के फैसले को प्रभावित करेंगे? निश्चित तौर पर करेंगे। और देखिए, बीजेपी के आलाकमान ने साफ तौर पर जो जिन नामों पर चर्चा शुरू की है, हालांकि कहा यह जा रहा है कि विधायक दल की बैठक में तय होगा, लेकिन अंदर खाने खबर यह भी मिल रही है कि जो कुछ अहम नाम है उन पर चर्चा पहले ही शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनके बीच में जो बैठक हुई है उनमें कुछ नामों पर चर्चा हुई है और फाइनल मोहर लगना बाकी है। अब यहां पर कंसिडरेशन क्या है, जिस चीज पर सबसे ज्यादा विचार किया जा रहा है वो यही है कि अभी का तो चुनाव हो गया, अगर शिवराज सिंह चौहान की बात की जाए, वसुंधरा राजे की बात जाए या रमन सिंह जो पहले मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के रह चुके हैं, उनका एक टेन्योर, अपना लंबा टेन्योर रह चुका है। लेकिन जिस बात का जिक्र नीरज कर रहे थे और कुछ देर पहले अभिषेक कर रहे थे कि अब यहां से जो बीजेपी की जो लीडरशिप है वो ये देख रही है कि अगले जो चुनाव है 2024 का, वहां पर कौन जिताएगा और जो आगामी उसके बाद में चुनाव होंगे वहां पर ऐसा कौन सा चेहरा होगा जो एक भरोसेमंद चेहरा हो। देखिए, वसुंधरा राजे ने राजस्थान में जो है कई वर्षों तक मुख्यमंत्री रही है, शिवराज सिंह चौहान लगातार मुख्यमंत्री रहे, तो अब नए लीडरशिप को ग्रूम करने की कोशिश की जा रही है और जो लंबे रेस का घोड़ा होगा उसी को शायद मौका दिया जाएगा, यही सोच रही है बीजेपी, इसलिए इतना वक्त भी लगा है। अपडेट आपको देते रहेंगे, खबर आज तक पहुंचाते रहेंगे, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। ABP News, आपको रखे आगे।